और पढ़ाने के लिए मैंने फॉर्म डाल दिया है, लेकिन फॉर्म कहाँ गया मुझे पता नहीं है और शायद पढ़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल आप सबका शुक्रिया। और मेरी पुरानी कलीग तृप्ता जी हैं, मैंने इनके साथ काम किया है हिंदू कॉलेज में, बहुत कुछ सीखा है इनसे। पढ़ाता जरूर हूँ लेकिन ज़्यादा एक छात्र की तरह ही रहता हूँ, हर समय सीखने की प्रवृत्ति रहती है। तो बहुत सारे आंकड़े और गंभीर बातें तृप्ता जी, राजेश कुमार हैं उनके पास होंगे। मैं थोड़ा जनरल मोटा मोटी चल क्या रहा है आखिर पिछले 4 सालों में, इसी पे अपनी बात रखूं। साथियों, बचपन से हमने पढ़ा है स्कूल के टेक्स्ट बुक में कि भारत एक कृषि प्रधान देश, गांव का देश है, लेकिन कभी यह नहीं पढ़ाया गया कि भारत एक जाति प्रधान देश भी है। और यह जाति, ये जन्मना है, इट्स बाय बर्थ। यू कैन चेंज योर क्लास बट यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट, और ये आपका चॉइस भी नहीं। पैदा होने से पहले आपकी जाति निर्धारित हो जाती है और मर जाते हैं तो भी आपकी जाति नहीं जाती, इसलिए यह जाति है कि जाति नहीं, ये बात। और कुछ कथा हम लोग पढ़े स्कूल में कि एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था। कई बार सोचा कि आखिर ये कथा 2500 साल हो गए, आज तक कोई दूसरा विद्वान नहीं हुआ इस देश में और न कोई ब्राह्मण आज तक अमीर हुआ। तो एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था और एक प्रतापी और दयालु राजा था, इसका क्या मतलब? बचपन से जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी आपके डाल दी जाती है, इसीलिए तो हिस्ट्री में सत्ता का खेल है, मारा मारी है, सबसे पहले कहता है हिस्ट्री का सिलेबस ही बदलो। तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये खेल क्या था। ये खेल था वर्चस्व का, हेजेमनी का। आपके दिमाग पे ही नहीं, संस्थानों पे वर्चस्व की हेजेमनी थी, इसी का खेल। अब देखिए, पहले हम रोस्टर्स भूल जाइए, पहले ये समझिए कि आखिर अनरिजर्व्ड कोट एंड कोट जनरल जो आप कहते हैं वो है क्या। जैसे कई मेरे साथी कहते हैं कि भाई मैं तो दलित साहित्य पढ़ रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे दलित साहित्य? तो मैंने कहा नहीं, मैं दलित साहित्य नहीं पढ़ता हूँ, मैं दलित हूँ लेकिन दलित साहित्य नहीं पढ़ता हूँ ज्यादा, मैं ब्राह्मण साहित्य ज्यादा पढ़ता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण साहित्य जितना ज्यादा पढ़ूंगा तो जनेऊ लीला मेरे समझ में ज्यादा आएगी, इसलिए मैं ज्यादा वही पढ़ता हूँ। तो जो अनरिजर्व्ड, जो ओपन कैटेगरी है उसको समझिए। थ्योरेटिकली इवन सवरवाल वाले केस में भी ये दूसरा पॉइंट है, थ्योरेटिकली अनरिजर्व पोस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन। मैं भी एप्लीकेंट हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने एक बार लिखा था कि अगर न्यायाधीश को रिजर्वेशन समझना है तो उसको दिल्ली के मेट्रो में चलना चाहिए कि एक बोगी अगर रिजर्व है महिलाओं के लिए, विमेन के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे बोगी में महिलाएं नहीं जाएंगी। कॉमन सेंस, वो रिजर्व है कि उसमें तो रजाएंगे जाएंगे, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन दूसरे बोगी में भी महिलाएं जा सकते हैं। तो ये ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन क्या ये रियलिटी में ऐसा है क्या? तृप्ता जी जिस कॉलेज से रिटायर हुई है उसी कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं, हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हुआ है अभी, उनसे जरा आरटीआई लगा के जरा मांग लीजिए, जरा उनका बायो डाटा, उनका किताब मांगिए, आर्टिकल मांगिए, वो नहीं देंगे। क्यों? वो रिजर्व प्रिंसिपल का पोस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन, आप अपॉइंट हुए हैं, शो मी योर बायो डाटा। तो आरटीआई का भी जवाब नहीं है, सीआईसी में मेरे एप्लीकेशन पड़ा हुआ, हाईकोर्ट में भी अभी डबल बेंच में चल रहा। तो जो ओपन है वो ओपन कुछ नहीं है, वो लीला है।
कि आप उससे गोवा का स्पेलिंग पूछ के उसको मेरिटोरियस बना देंगे और जो दलित बैकवर्ड जो आएगा अंडर प्रिविलेज क्लास उससे पूछेंगे चेकोस्लोवाकिया क्या स्पेलिंग और वो सही भी बता देगा तब आप बोलेंगे फेल है और ये गोवा का गलत भी बता देगा तो बोले बाबा ताली बजाओ मेरिट है मेरिट है। स्कूल का टेक्स्ट बुक लिख के चार चार लोगों के साथ टेंथ इलेवेंथ का टेक्स्ट बुक लिख के जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रिंसिपल बनाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे एट दिस जंक्चर उसकी सोशल ऑडिटिंग जरूरी है। और जो लीला चल रही है रोस्टर की 13 पॉइंट वो इसीलिए चल रही है कि हमारे जैसे लोग आके आपकी सामाजिक समीक्षा कर रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं सवाल इसीलिए आपको मरोड़ हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है। तो ये ओपन फॉर एवरीवन है तो ओपन फॉर एवरीवन नहीं है ओबीसी इन प्रैक्टिस इट इज रिजर्व फॉर समवन एंड समवन में भी कुछ स्पेशल लोग हैं। आप भारत रत्न खा के देख लीजिए अभी अभी हुआ है भारत रत्न की लीला अगर उसकी सामाजिक समीक्षा करेंगे उसकी सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो भारत रत्न नहीं आपको जनेऊ रत्न दिखेगा। जनेऊ रत्न और कुछ नहीं है वो जो ओपन है ओपन में भी सबके लिए ओपन नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी उठाइए मिनिस्टर्स उठाइए जितने वाइस चांसलर उठाइए जितने प्रोफेसर हैं उठाइए उसमें डोमिनेंट सिर्फ एक ही कास्ट मिलेगा ये है रियलिटी है। ओपन में भी सवर्ण सो कॉल्ड सवर्ण में भी एक ही कास्ट ब्राह्मण ही डोमिनेंट वहां पे मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ये है सो कॉल्ड ओपन पोस्ट की लीला कहानी ये है स्टोरी। नहीं बोलते राष्ट्र 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 जो लोग राष्ट्र राष्ट्र आप आपके यूनिवर्सिटी को तो पता नहीं एंटी नेशनल क्या क्या कह दिया है तो अर्बन नक्सल हम लोग को भी कहता है अर्बन नक्सल। तो मैंने कहा अर्बन नक्सल हूं तो अर्बन मनु भी होगा अर्बन मनु भी होगा मनु लीला भी है कि ड्रोन अब जंगल में नहीं मिलते हैं कि वहां इंतजार करेगा हमारा कि रतन लाल आएगा तो उठा मांगेंगे। नो 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 आजकल का ड्रोन जो है वो टाई सूट में लग्जरी गाड़ी में चलता है 5 स्टार होटल में रहता है विश्वविद्यालयों में और शहरों में ज्यादा रहता है। वो प्रोफेसर के रूप में मिल सकता है वाइस चांसलर के रूप में मिल सकता है किसी भी रूप में अंग्रेजी बोलता मिलेगा और ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आया हो सकता है। आज ही मैं कास्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि मैं कुछ ना होंगे जैसे कास्ट पढ़ाते हैं तो अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे आते हैं तो वो सब कहते हैं कि नो नो वी डोंट बिलीव इन कास्ट एंड ऑल दैट। बोले कोई बात नहीं मुझे थोड़ी कुछ कहना है हमने गरीब आदमी की बात नहीं कहते हैं कास्ट तो निर्धन ब्राह्मणों ने बनाई ही नहीं ये तो पढ़े लिखे थ्योरेटिशियन ब्राह्मण ने बनाई है। तो एक काम करो बच्चा जाओ जरा संडे का मैट्रिमोनियल उठा लेना जो अर्बन इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग अपर मिडिल क्लास ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज मार्क्स बजाने वाला नासा में काम करने वाला मल्टीनेशनल में काम करने वाला उसके रियल औकात अखबार के दो पन्नों में दिख जाती कि सोचता क्या है आखिर। यह है असलियत। यूनिवर्सिटी क्राइसिस क्यों है? क्राइसिस इसीलिए है कि जब तक ढका छुपा सब चल रहा था तब तक जो है सब ठीक था। वाह यू कोट मी एंड आई विल कोट यू इन दैट प्रोसेस बोथ ऑफ अस बिकम इंटेलेक्चुअल सब प्रोफेसर क्या दादी कहा मिश्रा जी कैसे हैं तो ठीक है यही चल रहा था ना। हमने देखा 22 साल पढ़ा चुका यार एक दो दिन नहीं 7 साल 6 साल यूनिवर्सिटी में रहा करीब 3 दशक का मेरा रिश्ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यू कोट मी एंड आई विल कोट यू जितने सेंटर फॉर एक्सलेंस बने हैं जरा उनसे एक बार पूछ तो लीजिए कि कितना कॉपीराइट कितना पेटेंट कराया है क्या करा है क्या तुमने इनोवेशन किया है क्या डिस्कवरी किया है जरा ये तो बता दो। तो बोले आप बनाए हैं क्या बनाए बोला जनेऊ बनाए हैं सिर्फ इतने साल में 2500 साल में इसके अलावा कुछ नहीं बनाए आप कोई शोध नहीं हुआ है कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। शुक्रिया कहिए कुछ दिन अंग्रेज आ गए यहाँ पे कि आपको कम से कम टाई सूट पहन रहे ये तो पता नहीं ये तो जनेऊ लंगोट और धोती में ही अभी भारत रहता है।
तो साथियों ये तो मतलब ऐसे बात है, समझने के लिए कह रहा हूं। अब आइए रोस्टर का खेल क्या है, रोस्टर और 10% ये रिजर्वेशन। तो ये जो 10% रिजर्वेशन आया है, और चाहे ये मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, मैं इतिहास का छात्र हूं तो मैं प्रोसेस में समझने की कोशिश करता हूं। ये रोहित बमुला चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, अखलाक हो, या तमाम इस तरह की जो घटनाएं आप देख रहे हैं पूरे 4.5 साल में, चाहे वो 10% हो, चाहे ये 13-point रोस्टर हो, चाहे व्हाटएवर, जितना आपको दिख रहा है ये सब भले देखने में आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन ये सब एक ही प्रोसेस का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ये बेसिकली इस बात का प्रमाण है, ये सबूत है कि जो लोग सत्ता के गलियारे में हैं, उनकी आस्था, उनका जो है विश्वास भारत के संविधान में नहीं है। ये है बेसिकली। तो 10% पिछली बार भी मैं यहां आया था, कहीं बोल रहा था, तो मेरे एक साथी ने सवाल किया कि अगर इसमें गरीब दलित एससी एसटी ओबीसी को अगर रख दिया जाएगा तो तब भी आप विरोध करेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे, तब भी करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो है ये इसके थ्रू आप अभी ट्रायल टेस्टिंग चला रहे हैं, मेट्रो ट्रायल रन चला रहा है, कि आपने 10% रिजर्वेशन के नाम पर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पर, अगर आपने संविधान के फंडामेंटल्स को आपने चेंज कर दिया, कितना मिनट बोलना है, जहां बोल देना, इसका मतलब है कि कल होके आप सद, उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, लेकिन मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं एससी एसटी ओबीसी पार्लियामेंटेरियंस को, कि जैसे उन्होंने मेज थपथपाई उस दिन, और रामविलास जी तो कह रहे थे कि 9वीं 9th शेड्यूल में डालो, तो जैसे आप उसी तरह आप मेज थपथपाएंगे, तो हम सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जितना हम कमिटेड हैं, उतना ही इस देश के प्लूरल कल्चरल में भी विश्वास करते हैं, सेक्युलरिज्म का भी हमारे लिए उतना ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। 10% आरक्षण आपको देना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम आप चलाइए ना, किसने रोका है, प्राइवेट सेक्टर में लाइए पहले, गरीब सवर्ण को जो है ना टॉप इंस्टीट्यूट में पहले रिजर्वेशन दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखते ना जब अमीर लोगों का जब कटेगा हिस्सा तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी देखा जाएगा, आप वहीं से शुरू कर लो पहले। तो नहीं, ये राजनीतिक हताशा में लिया गया कदम है, 5 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव सामने। अब रोस्टर पे 2-4 मिनट बोल के मैं बात अपनी खत्म करूंगा। सबरवाल केस की बार बार चर्चा होती, उस केस के पहले पन्ने को जो ओएम ऑफिस ऑर्डर है निकला हुआ है, पहले पन्ने को पढ़ने की जरूरत है। ये रोस्टर सिस्टम ही सामाजिक न्याय की हत्या है, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर भारत सरकार का सेक्रेटरी यहां बोर्ड लगाइए या बुलाइए, अगर वो रोस्टर मुझे समझा दे 13 point कि इससे कैसे इंश्योर होगा सोशल जस्टिस, तो मैं पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से। वो एकदम अनसाइंटिफिक हवा में बनाया हुआ रोस्टर है। आपने 13 point में आप बताओ, 3 OBC 1 SC और 9 general, परसेंटेज निकालो कितना परसेंट हुआ, कहां सोशल जस्टिस। एक न्याय का सिद्धांत है कि जो भूखा है उसको पहले खाना दो, तो आपने 3 post को ओपन रखा है पहले, जिसका पेट बाहर सदियों से निकला हुआ है, लाल लाल हो चुका है, उसको और घी पिला रहे हैं, और जो बेचारा ट्राइबल है, बेचारा अभी वहां से निकला है, पहला जनरेशन आ रहा है, तो उसका तो पता नहीं 300 साल बाद नंबर आएगा, उससे पहले नंबर नहीं आएगा, 300 साल बाद आएगा नंबर। तो ये सोशल जस्टिस ऐसे होगा? तो नहीं, ये सब ये लीला रचा है कि इसको सोशल जस्टिस को खत्म करो। सबरवाल वाले केस में पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि अब अपॉइंटमेंट जो है वैकेंसी बेस्ड नहीं होगा, पोस्ट बेस्ड होगा। ये है दूसरा लाइन पढ़िए कि वैकेंसी बेस्ड तब तक कंटिन्यू रहेगा
कि जब तक एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट कि जो एससी एसटी ओबीसी जनरल में आएंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अब आइए, बाबू लोग ने क्या किया, इस सवरवाल जजमेंट के दूसरे पोर्शन को हटा दिया कि जब तक एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा तब तक वैकेंसी बेस्ड रोस्टर चलेगा। मतलब 200 पोजीशन आया तो 100 इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर, लेकिन उसको इन लोगों ने उड़ा। हम तो ये कह रहे हैं कि रोस्टर हटाओ और सीधा वैकेंसी बेस्ड रोस्टर लागू करो। हमारे कॉलेज में अपॉइंटमेंट होता है तो डिपार्टमेंट निकालता है एडमिट, ये कॉलेज निकालता है। पैसा कॉलेज के नाम पर आता है कि डिपार्टमेंट के नाम पर आता है? विश्वविद्यालय में पैसा आता है कि डिपार्टमेंट में आता है पैसा? तो सारा पैसा आप ले रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, तो सोशल जस्टिस हवा में होगा क्या? ये लीला मत समझाइए, ये बहुत हम लोग समझ रहे हैं। और कल देखिए, आप सबसे अपील, ये कल राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, कल 31 जनवरी है और हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट सीट में। बीते हुए कल भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम किया है और मैं मान के चलता हूं कि लीगल मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है और इसको पॉलिटिकली ही लड़ा जाएगा, इस सड़क पे ही लड़ा जाएगा। ये जज साहब को तो वोट नहीं मांगना है, जज साहब को वोट थोड़ा ही मांगना है। जज साहब कोई परीक्षा देके भी पास नहीं किए हैं, जो अभी जज साहब लगातार एससी एसटी और सोशल जस्टिस पर ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, कोई परीक्षा एलएलबी के बाद दूसरा परीक्षा आज तक नहीं पास किए। तो उनके भरोसे हम देश नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम पार्लियामेंट है और पार्लियामेंटरियन को हर साल 5 साल बाद उनको हमसे वोट मांगना पड़ता है। तो वी हैव टू मेक इट पॉलिटिकल इशू। लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो 4 साल में इनको लगता है कि देश में कोई इन पे सवाल नहीं उठाया, कोई बोलेगा नहीं, और इनको ये बात पता नहीं, दुनिया ये तो इतिहास पढ़ते नहीं है, ये तो जनेऊ इतिहास पढ़ते हैं कि जब जब विश्वविद्यालय जगह है छात्र और शिक्षक सड़क में आए तब तक इस दुनिया में क्रांति हो। दुनिया का इतिहास गवाह है इस बात। जितना दबाने की इन्होंने कोशिश की, सबसे ज्यादा अटैक विश्वविद्यालय में हुआ है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक गुड बॉय या गुड गर्ल्स का सेंटर नहीं होता है। सॉरी, यस सर, यस सर, नो, वी हैव टू डेवलप क्रिटिक। हम सवाल करना सिखलाते हैं, सवाल करते हैं। तो इनको तो आस्था वाले लोग हैं, गाय गोबर गोमूत्र वाले हैं, तो इनको तो सवाल करने से इनको मरोड़ हो जाता है। और खास तौर से महिला सवाल पूछ ले, दलित सवाल पूछ ले, तो उनको लगता है ये लोग कैसे सवाल पूछ रहा है। विश्वविद्यालय को तो अपनी जागीर समझते रहे, तो जागीर में जब थोड़ा थोड़ा टन टन खटखट मार रहा है, खटखट अभी तो 2-4 ही लोग हम लोग जैसे लोग आए। अभी 1 लाख वैकेंसी से ज्यादा खाली है प्रोफेसर की भारत भर में। अगर सारे अपॉइंटमेंट हो जाए, 50,000 एससी एसटी ओबीसी भी आ जाए, उसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब क्रांतिकारी होगा, सब क्रिटिक डेवलप करेगा, नहीं, बहुत लोग जो स्टेटस को इष्ट होते हैं, यथास्थिति वादे होते हैं, हो सकता है। लेकिन उस 50,000 में से अगर 1,000 भी इंटेलेक्चुअल सही में बन गया, जो लिखे पढ़े बोले क्रिटिक डेवलप करे, तो समझ रहे हैं क्या हालत होगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनको परेशानी हो रही है कि विश्वविद्यालय मारो, इन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया है, अंग्रेजों के मुखबिरी करने के अलावा कुछ नहीं सीखा, कुछ पॉलिटिक्स नहीं की। तो इसीलिए ये पूरे जो आइडियोलॉजिकल बैटल्स का जो रणभूमि बना हुआ है, ये विश्वविद्यालय बने, इसलिए आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए आपके फंड्स काटे जा रहे हैं। क्यों? कि सवाल नहीं खड़ा हो, जो हम बोले। अब साधु लोगों को तो पेंशन मिल रहा है, छात्र बेचारे का उनका फंड कट रहा है, सोचिए, छात्रों का फंड कट रहा है, लाइब्रेरी में पैसा कम हो रहा है, अपॉइंटमेंट बंद है। अब बाबा लोग मजे में जेब में किटकैट रखे हुए हैं, साथियों आप सब समझदार हैं, मैं आप ही की तरह हूं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा थोड़ा बहुत किताब आर्टिकल भी लिख लेता हूं कभी कभी, और थोड़ा बहुत एक्टिविज्म भी करता हूं। और मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आया था, जिस समय मैं आया था उस समय रिजर्वेशन नहीं था, और मेरे गुरु प्रोफेसर डीएन झा, प्रोफेसर शिमाली, इन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया, तृप्ता जी भी हैं,
इस प्रोफेशन में क्यों आए थे? सैलरी लेने नहीं आए थे, इसलिए आए थे कि हमें सवाल करने वाले जनरेशन बनाना है वैसे लोगों का। हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, हम किसी वाइस चांसलर के अंडर में काम नहीं करते। ऑटोनॉमी का मतलब खाली वाइस चांसलर का ऑटोनॉमी नहीं होता, ऑटोनॉमी का मतलब हमारी भी ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब आपकी भी ऑटोनॉमी है। जेएनयू में पिछले 90-91 से आ रहा हूं, 91 से जिस तरीके से पूरे घेराबंदी हो रही है, लग रहा है कि सरकार बहुत परेशान है, आप लोगों को सब गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स बनाना चाहते हैं, कोट अनकोट। बट आई मैं क्लास बात करता हूं अपने छात्रों से, ये आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, कि जो सवाल नहीं करा करे तो मुझे सरस्वती वंदना करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें सवाल खड़े करने वाले लोग चाहिए। यही सवाल है साथियों, और देख लीजिए ना हम खतरे में, ना आप खतरे में है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये भारत का संविधान ही खतरे में। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।